हाँ जी, हेलो जी। मैम, आप इतना मोटिवेट करती हैं हम लोग को थ्री डी को लेकर, इसलिए मेरा रिजल्ट आ गया। तो सबसे पहले मैम आपको बताया कि मेरे वो मैम, मैं बहुत बार से मैं ट्राई कर रहा था जेआरएफ के लिए, लेकिन फाइनली मेरा वो इसके पहले भी जेआरएफ हुआ, उससे भी हुआ आपके कारण। और हम मैम आपका पूरा क्लास देखते थे, लेकिन लाइव नहीं देख पाते थे, क्योंकि मैम हम पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, तो हम क्या करते थे, पूरा रिकॉर्डिंग वीडियो देखते थे, लाइव नहीं आ पाते थे। लेकिन मैं पूरा वीडियो अटेंड करता था, फ्री वाले में भी प्लस में भी पूरा। जी बहुत अच्छे, आपकी भी मेहनत है, पूरी कांग्रेचुलेशंस आपको। पहले तो आपने दो बारी थैंक यू। जेडएफ निकाला है एंड अब आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी का एडमिशन हो गया है। मैंने हर जगह अनाउंस किया, टेलीग्राम पे, हर जगह, तो लर्नर्स का भी डिमांड था कि आप डीयू वाले को लेकर आओ। जी तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस एंड आई एम नवदीप कौर। और आज हमारे साथ है अभिषेक कुमार यादव। इनका दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन हुआ है, विच इज बिगेस्ट अचीवमेंट। कॉन्ग्रेचुलेशंस अभिषेक जी, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैम। वेरी नाइस। मैम और हाँ जी, हम लोग एज अ लर्नर, जितना हमको लगता है कि हम लोग जितना मेहनत नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा आप एज एजुकेटर करती हैं, क्योंकि तो हम देखते हैं कि हम रात में सोए रहते हैं तो उसके बाद भी आपका वीडियो चलता रहता है, जब सुबह उठते रहते तो उससे पहले आपका मॉर्निंग वाला मोड वीडियो आता है। अच्छा, बहुत अच्छे। यस मैम। आपको आपने जेआरएफ भी निकाला है। आपने फर्स्ट टाइम जब जेआरएफ यस मैम। निकाला था तब आपने शायद सब्सक्रिप्शन लिया था, है ना यस मैम। जी? मैम वो मैम मेरा सब्सक्रिप्शन था 2019 का, उसके बाद फिर लैप्स हो गया, उसके बाद फिर मैं आपका पूरा जितना फ्री वीडियो है वो पूरा देखा इस बार, पूरा मतलब एक भी वीडियो नहीं छोड़ा, यूट्यूब का और यहाँ का वो अनअकैडमी का पूरा वीडियो, एक भी सिंगल वीडियो मिस नहीं हुआ होगा। जी, बहुत अच्छे। और पहले आपने जेआरएफ कौन से सब्जेक्ट में निकाला था, दोनों बार सेम में या अलग अलग? यस मैम। मैम पिछली बार हम अप्लाई किए थे तो मेरा एक क्वेश्चन से रुक गया था, फिर जब आंसर की वो चेंज हुआ तो जाके जेआरएफ हो गया, तब तक हम दूसरी बार फॉर्म अप्लाई कर चुके थे। ये बात हुई। ओके ओके, मैं समझ गई कि पहले जेआरएफ से एक नंबर से रुक गया होगा और फिर यस आंसर मैम, में गड़बड़ थी, जो हमारे ही लर्नर था यस दीपक, उसने मैम, चैलेंज किया था, अपने ग्रुप का था वो, तो उसमें आपका निकल गया। लेकिन आप दूसरी बार का फॉर्म यस भर मैम, चुके थे तो आपने ये भी भर दिया और यस मैम, लकीली आपका यस मैम, दोनों बारी जेआरएफ हो गया। बहुत अच्छे, ये तो यस मैम, एकदम से लक काम कर गया, उधर भी हो गया इधर भी हो गया, अनएक्सपेक्टेड। अच्छा जी, आप थोड़ा बताओ आपने प्रिपरेशन कैसे करी थी। मैं तो वो जेआरएफ, मैम जेआरएफ के लिए की, यस मैम, जेआरएफ के लिए मैम मेरा एक निगेटिव पॉइंट ये था कि हम वो पार्ट टाइम जॉब करते थे तो हमको इतना टाइम नहीं मिल पाता था, तो इसीलिए हम आपका फर्स्ट पेपर के लिए मैम देखिए आपका ये बुक रखे हुए हैं। मैम अच्छा, नोट्स नहीं बना पाता था, पूरा बुक में पूरा लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट पेपर का तो आपके बुक हो गया जितना भी, तो सब उसमें जाते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि अपना पूरा नोट्स को फिर से बनाया, क्योंकि बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, तो इसलिए फर्स्ट पेपर के लिए पूरा ये और सेकंड पेपर के लिए पूरा पीडीएफ, जब भी आप पढ़ाते तो जो पीडीएफ का शॉर्ट नोट्स बनाते थे बहुत कम, मतलब एक कॉपी में मेरा पूरा हो गया होगा, तो उसमें अच्छा, मतलब मेरा पूरा सेकंड पेपर का था और फर्स्ट पेपर के लिए आपका बुक था ही। और उसमें जो पार्ट जैसे प्लस क्लास में थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है वो आप ऐसा लिख लेते थे, अभी दिख यस भी मैम, रहा था यस थोड़ा मैम, सा। हाँ, उस पर पूरा लिखे हुए हैं, पूरा रेड कलर के पेन से पूरा उसमें पूरा नोट डाउन किए हुए हैं, क्योंकि अब पूरा मैम पूरा टाइम वो पूरा उसको पूरा रिटर्न लिखना तो टाइम कंज्यूमिंग होता है और मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैम पढ़ाते भी हैं कोचिंग में, तो फिर बाकी वहां भी टाइम चल जाता है। जी, यही एडवाइस है, सारे बच्चे कहते हैं यस नोट्स कैसे बनाए, नोट्स कैसे बनाए। मैं सबको कहती हूँ आप इनसे सीखो जो आगे निकले हैं, जेआरएफ अवार्डी है, पीएचडी में एडमिशन हो गया है। इतना नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में टाइम लगाए, और वीडियोस को बार बार देख सकते हैं और साथ में आप हल्का फुल्का लिख सकते हैं। और आपने जैसे बोला पेपर टू के भी आपने छोटा सा ही नोट्स बनाए, ज्यादा नहीं बनाए थे, तो प्लीज मैम, ये सीखिए। बार बार इतना ज्यादा लेंदी लिखने का कोई फायदा नहीं है, आपको शॉर्ट नोट बनाने अगर बनाने हैं तो ज्यादा नहीं करना है। जी बहुत अच्छे। अब आप बताइए कि जेआरएफ की प्रिपरेशन के साथ उसका बेनिफिट भी आपको पीएचडी के एडमिशन की प्रिपरेशन में मिला, या आपने पीएचडी के लिए कैसी पढ़ाई की दिल्ली? मैम वो सबसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए मैम उसका सिलेबस था, उसके सिलेबस में 50% रिसर्च मेथोलॉजी का था और 50% सब्जेक्ट का था, तो सबसे पहले रिसर्च मेथोलॉजी के लिए जितना आपका जो पीडीएफ है उसको एकदम पहले पूरा अच्छे से पढ़े, क्योंकि मैम रिसर्च मेथोलॉजी का वेटेज 50% है, जी और बाकी मतलब ये आपका जो फर्स्ट बुक था उससे, और एक मैं बुक अलग से लिया हुआ था रिसर्च मेथोलॉजी का वो नीना सोनी का, तो
तो उनसे दोनों को मिलाकर मैं उसको रिसर्च मेथोडोलॉजी का उसको पूरा कंप्लीट किया, पूरा प्रिपरेशन को, और बाकी जो सेकंड पेपर का था तो सेकंड पेपर का तो मैम आपका जो पीडीएफ वो तो इनफ था उसके लिए। जी बहुत अच्छी। तो आपका जो पीएचडी एंट्रेंस दिया था आपने क्या? यस मैम, मैं एंट्रेंस दिया था और एंट्रेंस मेरा सेकंड रैंक आया था। अच्छा, वेरी गुड। मतलब आपका जेआरएफ हो चुका है लेकिन तब भी हो गया था ना, तब भी आपने एंट्रेंस भी चूज़? यस मैम, मैम क्योंकि वो एपीआई बनता है और एपीआई में हम यूपी बोर्ड से हैं, तो यूपी बोर्ड में वो उतना 10th 12th में अरे वो उतना मार्क्स नहीं मिलता है, तो एपीआई में मेरा थोड़ा कम रह जाता है, तो इसलिए एपीआई में नहीं अप्लाई करते हैं, जिसमें एग्जाम होता है उसमें अप्लाई करते हैं। बिल्कुल। आप क्या वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हो पोस्ट ग्रेजुएशन? नहीं मैम, मेरा यूजी और पीजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से है, बीएचयू से। बहुत बड़ा मोटिवेशन है ये, क्योंकि सभी के माइंड में मिथ पता क्या रहता है, किसी वो डीयू वाले डीयू वाला कोई लेते हैं, बाहर वाला को लेते ही नहीं है। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट आपसे पूछा कि आप देखो बाहर के यूनिवर्सिटी के होते हुए भी आपने एक तो ये चूज किया कि आप एंट्रेंस से जाओगे, ये आपका प्लस पॉइंट था। अगर आप एंट्रेंस से ना जाते सीधा इंटरव्यू देते ना, तो शायद वहां पे वो लोग बाहर का समझ के आपको कंसिडर ना करते। आपने ये वाला माइंड स्ट्रेटेजी और लगाई, क्योंकि वो ऑप्शन है कि आपने अगर एंट्रेंस देना है तो एंट्रेंस दे दो, और अगर आपने डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए तो डायरेक्ट आ जाओ। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो तो अपना दिमाग लगाओ, आपके एपीआई स्कोर एवरेज परफॉर्मेंस इंडेक्स का स्कोर कैसे ज्यादा हो सकता है उस स्कोर के हिसाब से, क्योंकि तब तो जो एकेडमिक्स है वो एकेडमिक्स वाले काउंट होंगे, वहां हो सकता है कम रह जाए जैसे अभी आपने बताया। लेकिन अब क्या हुआ, इंटरव्यू के मार्क्स, एकेडमिक्स के मार्क्स, और वो जो आप सेकेंड रैंक लेकर आए रिटन टेस्ट में, उसके मार्क्स से आपका एपीआई स्कोर बढ़ गया। जी, ये आपने स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छा दिमाग लगाया है, जिसकी वजह से आप अभी यहाँ हो। ये माइंड, दिस माइंड इज वेरी नाइस। सो और बताइए कि जब आपने एंट्रेंस दिया था तो उस टाइम पे आपके माइंड में क्या फीलिंग थी, कि क्वेश्चंस मतलब आ रहे थे? नेगेटिव मार्किंग भी होती है डीयू में। हाँ जी, यस मैम, यस मैम। मैम जब हम वो क्वेश्चन वो देखे तो उसमें पूरा 50 क्वेश्चन था, और उसमें से वो जब हम वहाँ मतलब अपने सीनियर से बात की थी कुछ, तो वो बोल रहे थे कि अगर तुमको एडमिशन चाहिए तो तुमको कम से कम तुमको टॉप 10 में तो रैंक लाना ही पड़ेगा। तो हम सोचे थे कि अगर वो एग्जाम के लिए जाएंगे तो पूरा एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएंगे। और उसमें मैं एंट्रेंस एग्जाम अप्रॉक्स जुलाई अगस्त में हुआ था, तो उसमें जब एग्जाम देकर हम आए बाहर आए तो सबसे जब वो बात हो रहा था, सब लोग पूछ रहे थे, तो बोल रहे थे सब कि तुम्हारा ठीक गया, अच्छा गया, वो अच्छा मार्क्स आना चाहिए, तुमने 42 अटेंड किया हुआ है क्वेश्चन 50 में से, तो हमको श्योर था कि हाँ मेरा अच्छा मार्क्स आएगा उसमें रिटन में। हाँ जी, मतलब नेगेटिव मार्किंग होने के बाद भी आपको तो ये दिमाग लगाना होता है कि गलत आंसर ना मार्क हो जाए, और फिर आपने 42 अटेम्प्ट किए तो यही सोच के किए होंगे कि हाँ मैं इसमें श्योर हूँ, तभी आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। और पेपर टू का जो होता है उसमें स्टैटिस्टिक्स और पेपर टू हमारा आता है, उसके अंदर कैसा रिस्पॉन्स था आपका? मैम वो पेपर टू में वहाँ पर जो डीयू का सिलेबस है एमकॉम का मेन, उसको टारगेट किया था, तो मोस्टली क्वेश्चन इंटरनेशनल बिजनेस से आए हुए थे और कुछ क्वेश्चन तो वो फिनेंस से आए हुए थे। लेकिन फिनेंस से जो क्वेश्चन आया था, जैसे मैं बाकी जगह का भी एग्जाम दिया हूँ, सीयू सेट का भी एग्जाम दिया हूँ मैं, तो मैम उसके कंपेयर में डीयू का बहुत हार्ड था, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया था। मैम वो फिनेंस पार्ट में जैसे जो एनएवी का क्वेश्चन होता है और जो इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन होता है, उसमें पूरा न्यूमेरिक क्वेश्चन पूछा हुआ था, थ्योरी पार्ट नहीं था उसमें, कैपिटल बजटिंग का पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ था उसमें मोस्टली। हाँ जी, अच्छा, सो न्यूमेरिकल पोर्शन भी वो पूछते हैं जी। सो यही एडवाइस है कि अगर आप कभी भी पीएचडी के एंट्रेंस कहीं पे भी अप्लाई करो, ड्यू का तो हमेशा से राय की टफ रहता है, और न्यूमेरिकल मैंने देखे आते हैं। सो सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है रिसर्च एप्टीट्यूड पूरा करके जाना, जो मैं भी आपको पढ़ाती हूँ, और स्टैटिस्टिक्स, चाहे आप स्टैटिस्टिक्स मतलब कॉमर्स के हो या नहीं हो, तब भी मैं बार बार बोलती हूँ स्टैटिस्टिक्स पढ़ो। वो आपका, आपको क्या लगता है कि रिसर्च के पार्ट के अंदर ही आता है वो भी, स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है ना पेपर वन वाले जो? यस मैम जी, वो जो कॉमन होता है ना सबके लिए, उसके अंदर रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स आता है। और दूसरी बात, आपको अपना जो पेपर टू है, जो भी जैसे इनका कॉमर्स था, इन्होंने कॉमर्स किया, आपको अपना पेपर टू भी पढ़ के जाना है, तो यही सिलेबस है। अगर आप जेआरएफ की तैयारी बहुत अच्छे से मन लगा के कर रहे हो, साथ में मेरी स्टैटिस्टिक्स की वीडियो देख रहे हो प्लस सब्सक्रिप्शन में जो है वो वाली भी, और अपने पेपर टू को ध्यान में रख रहे हो, तो आपका पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी अच्छी तैयारी हो जाती है। और इस चीजों को ध्यान रखना, अगर आपका ओवरऑल एपीआई स्कोर कम हो रहा है तो आप वो ऑप्ट करो, चाहे आपको एग्जाम है तब भी आप एंट्रेंस का ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि आप ज्यादा, हम पता क्या सोचते हैं, हम कम्फर्ट जोन में रहना चाहते हैं, यार अच्छा होगा कि ना एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा, लेकिन वही कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेंथ बन सकती है, जैसे आपके केस में भी बनी है। जी, आपको सजेस्ट करना चाहोगे अभिषेक? मैम वो पूरा
पूरा वो इंटरव्यू के लिए 1024 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, लेकिन उसमें से मैम तो बहुत लोगों का उसमें मैम वो अप्रॉक्स वो 300 प्लस का उसमें आरएफ था, और उसमें वो कितने रिसर्च पेपर भी लिखे हुए थे, मतलब कितने वर्क एक्सपीरियंस थे और कितने वहाँ के खुद जो एडवोकेट जो टीचर है उन्होंने भी अप्लाई किया था। तो पहले आप देख लीजिए कि आपका एपीआई स्कोर कहाँ तक बन रहा है। वो 1024 बच्चे पूरा उसमें सेलेक्ट हुए थे, तो मैम उसमें वो जिनका एपीआई अच्छा, जैसे एपीआई के अगर हम ड्यू जैसे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एपीआई कम से कम आपका यूजी और पीजी मिला के बहुत कम से कम 85 प्लस में रहे तो जाके कुछ बात बनेगा डायरेक्ट मोड पे जेआरएफ वाले मोड पे। और दूसरी बात की अगर जो वहां से एमफिल किए हुए हैं उसका वहां पे पूरा 100% मार्क्स जुड़ता है, तो जो एमफिल नहीं किया है वहां पे सीधे उसका उतना वो पॉइंट का लैप्स हो जाता है। अगर आप वो एंट्रेंस के थ्रू गए और अच्छा मार्क्स लेके आते हैं तो वहां पे आपको बेनिफिट हो जाएगा। जी, अभी आपका मेन मकसद है कि ये देखना कि आपका एपीआई स्कोर विदाउट एंट्रेंस भी 85 प्लस बन रहा है कि नहीं। अगर वो इतना अच्छा नहीं बन रहा है तो बेटर है कि आप एंट्रेंस वाला मोड चूज करें। अगर आपका बन रहा है, वो बनता है ऐसे रिसर्च पेपर लिखे होते हैं, आपने जैसे बताया था एडहॉक वाले टीचर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं वो वहां पे आए हैं, आप पीएचडी या एमफिल पीएचडी में के लिए तो आप जा रहे हो, खैर एमफिल अगर आप कर चुके हैं तो ये सारे मिला के ना पॉइंट एकदम से अप हो जाते हैं उन लोगों के जो लोग ऑलरेडी ये सब करके आए हैं। इस वजह से उसका डिसएडवांटेज आपको था, लेकिन आपने वहां पे एंट्रेंस से वो वाला कवर किया। मार्क्स आपका मेन टारगेट है, मार्क्स कैसे बढ़ाए, एपीआई स्कोर कैसे बढ़ाए, वो ढूंढना है आपने, तभी आप इधर आ पाएंगे। अभिषेक जी थोड़ा जर्नी बताओ, हमने तो जर्नी पूछी नहीं आपकी, कैसी जर्नी? मैम मेरा 2014 में मेरा यूजी एडमिशन लिया था बीएचयू में, उसके बाद फिर 3 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते जब मास्टर्स में एडमिशन लेने का टाइम आया तो फिर तब से हो गया था कि हाँ अब हमको भी प्रोफेसर बनना है, इसमें टीचिंग फील्ड में एकेडमिक्स में आगे जाना है। तो फिर वहाँ पर हुआ कि अब कैसे प्रिपरेशन करें, तो फर्स्ट मैं अटेम्प्ट जब हम अप्लाई किए थे तो बिना वो कोचिंग वोचिंग के बस यूट्यूब पैसे से वो वीडियो देखकर, क्योंकि वो उतना ऑनलाइन का मतलब उतना क्रेज था नहीं, तो फिर हम सोचे कि अपने से प्रिपरेशन करते हैं, दिए और हमारा नेट हुआ तो फिर हमको लगा कि नहीं अब कहीं जेआरएफ निकला तो उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर जो सेकंड टाइम जब अप्लाई किए तो फिर आपका सब्सक्रिप्शन लिए, उसके बाद फिर जैसे हम बोले कि हम लाइव क्लास नहीं कर पाते थे क्योंकि हमको जॉब करना पड़ता था, तो मैं घर पे आता था शाम में, तो शाम में पूरा रात में पूरा ऑफलाइन वीडियो को पूरा रिकॉर्डिंग वीडियो को पूरा देखता था, और फिर सुबह यूट्यूब पे जॉब लाइव आती थी तो यूट्यूब वाला देख लेते थे पूरा। उसके बाद फिर इसी तरह करके फिर दिए तो फिर एक क्वेश्चन से रुक गया और फिर अब दिए तो फिर जेआरएफ हो गया। और मैं डीयू के लिए एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप डीयू में अप्लाई कर रहे हैं तो अपना रिसर्च प्रपोजल खुद ओरिजिनल बनाइए। अगर आप रिसर्च प्रपोजल कहीं से कॉपी पेस्ट किए रहेंगे तो उनके पास एक सॉफ्टवेयर रहता है टर्टिन नाम से, वो आपका तुरंत देख के बता देंगे कि आप इतना प्लेगरिज्म किए हुए हैं। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड वो भी अप्लाई किया हुआ था तो वो सर देख के उसको बता रहे इंटरव्यू कि देखो तुम्हारा 40% तुमने प्लेगरिज्म किया हुआ है, तुम इस तरीके से रिसर्च करने आओगे, ये उसको वो बात बोला। तो वो हमसे पूछा था कि क्या तुमसे भी बोले, तो हम बोले नहीं हमसे तो नहीं बोले मेरे में, क्योंकि हम जितना भी बनाया था अपना रिसर्च प्रपोजल हमको पूरा रिसर्च प्रपोजल बनाने में तकरीबन मैम 4 to 5 months लगा पूरा रिसर्च प्रपोजल बनाने में, लेकिन हम कहीं से कट कॉपी पेस्ट नहीं किए, पूरा अपने से बनाए। और वो बाकी बहुत सारा सॉफ्टवेयर आप उसका यूज कर सकते हैं अपने ग्रामर को ठीक करने के लिए, जैसे ग्रामर को ठीक करने के लिए ग्रामरली ऐप होता है, तो आप जब वो टाइपिंग करें तो उसमें आपका ग्रामर एरर बाकी सब ये सब अगर आपका पंक्चुएशन वो सब चेक कर लेगा। लेकिन रिसर्च प्रपोजल आपको 3 महीने लगे 4 महीने लगे, लेकिन बनाए खुद से बनाए। अगर आप ये सोचते हैं कि रिसर्च प्रपोजल आप बना रहे हैं कहीं से कट कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं, तो वहाँ जो आप बैठे हुए रिसर्चर ना जो आपका बैठे इंटरव्यू ले रहे हैं जो प्रोफेसर हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो 1 मिनट में बता देंगे कि आपने कॉपी किया हुआ है कि आपने अपने से खुद से बनाया हुआ है। वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन तो बहुत करेंगे, बहुत डीप डाइव क्वेश्चन करेंगे। जैसे उन्होंने हमसे बोला था कि तुम्हारा जो रिसर्च का टॉपिक है तुम जो अपना स्कोप लिए तुम्हारा स्कोप कम है, इसको और ब्रॉड कैसे करोगे। तो फिर हम उनको बताया कि सर अपना बताया कि सर हम मेरा गुड्स में तो अपना डायमेंशन में हम सर्विस को भी इंक्लूड करेंगे, तो उन्होंने बोला। उसके बाद फिर उन्होंने करेंट से कम 8-9 टॉपिक पूछा। जैसे मेरा ब्रिक्स से था तो उन्होंने पूछा कि इसमें बताओ वो इंडिया का करेंट में कितना वर्ल्ड मार्केट शेयर है, इंडिया के वो टॉप 5 एक्सपोर्ट आइटम बताओ, टॉप 4 वो इंपोर्ट आइटम बताओ। उसके बाद फिर बोले कि वो इंडिया का चाइना के साथ कैसा ट्रेड रिलेशन है, इसके बारे में वो पूरा 1 मिनट डिस्क्रिप्शन दो। तो फिर पूरा ऐसे था। और उसके बाद अगर मैम वो इंटरव्यू पैनल में 3 लोग हैं और आपका मान लीजिए वो फिनेंस है आपका रिसर्च एरिया, और वहाँ पे इंटरव्यू पैनल में फिनेंस के नहीं, तो वो फिर कॉल करके दूसरे को बुलाते हैं। जैसे मतलब इस बार एमएस टीम पे था तो मेरा इंटरनेशनल बिजनेस है, तो एक अलग से प्रोफेसर आए थे जिनका स्पेशल इंटरनेशनल बिजनेस था, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था इंटरनेशनल बिजनेस पूरा। अच्छा, बहुत अच्छे। अच्छा मेरे को ये बताओ आपने कितने पेजेस का बनाया होगा वो रिसर्च प्रपोजल?
मैम वो वहां पर आया था कि आपको 2500 लेटर में आपको पूरा अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना है, तो आप मोर और लेस उसी के आसपास बना के आपको लेके जाना रहेगा। हाँ जी ठीक है। यस मैम, मतलब वो 8 to 9 पेज का वो आप कह सकते हैं कि 8 to 9 पेज का पूरा रिसर्च प्रपोजल था। हाँ, डीयू वाले तो पूरे खींच लेते हैं अच्छे से ले लेते हैं। यस मैम, बहुत डीप क्वेश्चन किए हुए थे और आपको वो आपको मतलब आपको चेक देंगे, अगर आप सही आंसर देंगे उसके बाद भी पूछेंगे कि सही है, तुमको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। जैसे हमसे पूछे थे कि रिसर्च का प्रोसेस बताओ, तो हम पूरा रिसर्च का प्रोसेस बता दिए, तो उसके बाद फिर हमसे बोले एकदम तुम श्योर हो, तो फिर हम एक मिनट के लिए रुके, हम बोले हाँ सर एकदम श्योर है, तो बोल रहे कि अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद फिर वो साइटेशन का पूछने लगे कि बताओ कि कॉमर्स में कौन सा साइटेशन का स्टाइल यूज होता है, तो उन्होंने बोला कि API है, MLA है, तो बताओ इन दोनों में से वो इस समय मोस्टली कॉमर्स वाले कौन सा यूज करते हैं, तो हम बताए सर API करते हैं, तो बोले अच्छा बताओ क्यों MLA क्यों नहीं करते हैं, तो फिर ये सब क्वेश्चन आपसे वो पूछेंगे, आपको उसके लिए एकदम प्रिपेयर होना पड़ेगा कि इस तरीके का क्रॉस क्वेश्चन वो बहुत ज्यादा करेंगे आपसे। हाँ। आपका आंसर खत्म नहीं होगा, दूसरे प्रोफेसर आपसे क्वेश्चन चालू कर देंगे। जी घबराना नहीं है, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल, और वो ऐसा करते हैं। ये तो थर्स्टन स्केल भी हमने समझा ना कि ऐसे काउंटर क्वेश्चन किए जाते हैं सामने वाले को ऐसा दिखाने के लिए कि नेचर ऐसा दिखाने के लिए तुम घबरा जाओ एकदम, वो चीज आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल मस्ट बी वेरी गुड इन दिस केस। हाँ जी, और किस टाइप के क्वेश्चन आपको लगता है कि पूछे गए थे आपसे और आपने उसके कैसे ऐसे आंसर दिए थे? मैम सबसे पहले आपसे अपना इंट्रोडक्शन करने के लिए बोलेंगे, आप इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद फिर सीधे आपके टॉपिक पे आ जाएंगे। और मैम हमसे टॉपिक में पूछे, जैसे मेरा रिसर्च टॉपिक था इंडिया ट्रेड रिलेशन विद ब्रिक्स नेशन स्पेसिफिक विद चाइना, तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि चाइना के साथ तो वो इतना सारा रिसर्च हो चुका है तो तुम क्या नया करोगे, तो हमने बताया कि सर वो दो नया वेरिएबल के बीच में हम रिलेशनशिप दिखाना चाहते हैं, मेरे रिसर्च में एक ये नोवेल्टी है और दूसरा जो रिसर्च इससे पहले हो चुका है पूरे ब्रिक्स नेशन पे वो लास्ट हुआ 2016 का और अब हम करेंगे 2021 से, तो डाटा 5 ईयर का ओल्ड हो चुका है, तो ये जो आपका जो टाइम रिसर्च गैप होता है तो वो उसको हम फिलफिल कर देंगे, तो उन्होंने वो इस बात पे हमको बोला कि हाँ ये तुम्हारा अच्छा है। जी बहुत अच्छे। अच्छा, सो इंटरव्यू पैनल में मेरे लिए 3 से 4 वहाँ पे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में बैठे हुए थे, है ना? यस मैम। अच्छा यस मैम, तो मेरे वाले में एक फिनेंस के थे और एक HR के थे, लेकिन मेरा टॉपिक इंटरनेशनल बिजनेस का था तो उन्होंने एक और वो प्रोफेसर को ऐड किया उस पे MS टीम पे, उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया। अच्छा, एक और चीज है, जैसे हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हो सकता है आपका एकदम से पहले तो नहीं आ गया होगा नंबर, तो आप क्या बाकी बच्चों से पहले भी इंटरेक्ट कर रहे थे या आप अपने में अभी मस्त थे बाद में सोचा? नहीं मैम, वहाँ पे मतलब वो जब जिसका जिसका वो सिलेक्शन हो गया था तो उसमें से कुछ लोग मतलब वो एक दूसरे को फेसबुक के थ्रू या लिंक्डइन के थ्रू मतलब कि वो किस प्रकार से प्रिपरेशन करता है बाकी ये सब अपना किए, लेकिन उसके बाद जब इंटरव्यू वाले दिन तो उनका वो दो लिंक आया हुआ था, एक लिंक पर पहले जाकर रजिस्ट्रेशन करना था पूरा फॉर्मेलिटीज उसमें फिलअप करना था, और दूसरे वाले में लॉग इन होने के बाद एक वेटिंग रूम था, वेटिंग रूम में उसके बाद फिर 10-15 मिनट बाद वहाँ पे सबका नंबर आ रहा था रिसर्च के लिए, अरे उसके लिए इंटरव्यू के लिए। ठीक है ठीक है, और एनी एक्सपीरियंस यू वांट टू शेयर जो लर्नर्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो PhD की प्रिपरेशन कर रहे हैं? यस मैम, ये बोलेंगे कि अगर आपका GRF नहीं निकल रहा है या नेट नहीं निकल रहा है तो फिर भी आप रिसर्च पेपर लिखिए, क्योंकि रिसर्च पेपर का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारा रिसर्च एक्सपीरियंस कुछ है, तो हम बताएं, क्योंकि मैम मैं अपना रिसर्च कम इंटर्नशिप मैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT से मैंने वो किया हुआ था, मेरा रिसर्च इंटर्नशिप था, तो मैं जब उनको बताया तो फिर वो बोले कि उसमें क्या किया, तो फिर उसके बारे में डिस्क्राइब करने लगे, तो बोले कि अच्छा चलो कम से कम तुमको रिसर्च का वो थोड़ा सा तो नॉलेज है, तो ये बात का वो आपसे ये देखेंगे कि आप BCom, MCom या GRF के अलावा आपके पास क्या है, क्योंकि ये तो नॉर्मली लगभग सबके पास ही है, और उसके अलावा देखेंगे कि आपका रिसर्च में एक्सपीरियंस कितना है, आपको नॉलेज कितना है, ये देखेंगे। और रिसर्च पेपर वो हमसे पूछे कि रिसर्च पेपर तुमने कितना पब्लिश किया हुआ है, तो हम बोले सर हम इंटरनेशनल बिजनेस में रिसर्च पेपर को पब्लिश करना चाहते हैं तो इसलिए अभी मेरा बाकी है, तो जैसे वो ABDC में अगर आप अपना रिसर्च पेपर को पब्लिश करना चाहते हैं तो वहाँ पे 1 साल से ज्यादा का तो वो रिव्यू ही ले लेते हैं। जी जी वेरी नाइस। हाँ, तो आपको हमेशा मैं भी बोलती रहती हूँ, पुश करती रहती हूँ, रिसर्च पेपर लिखो, तो आपकी भी माइंड चलता होगा भाई, मैं तो रोज हर बार बोलती थी क्लास में भी कि रिसर्च पेपर लिखो, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। देखो डायरेक्टली उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि रिसर्च पेपर लिखना मैंडेटरी, इट इज नॉट मैंडेटरी, बट हर एक यूनिवर्सिटी में आपका हो गया, एक और लर्नर है मेरी उसका NIT में हुआ, एक और है कुरुक्षेत्र में हुआ, तीनों को एडवांटेज इसी चीज का मिला है कि थोड़ा बहुत रिसर्च एक्सपीरियंस था, आप लोग जानते थे उसके बारे में, और इसी तरीके से अगर आपने भी कुछ रिसर्च पेपर लिखा है या रिसर्च एक्सपीरियंस है किसी तरीके से, डिसर्टेशन लिखी है चाहे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में,
तो इस चीज को वो कंसिडर करेंगे एंड दे विल यू नो उसको फिर ज्यादा एडवांटेजियस थोड़ा पैटर्न देखा जाता है उस चीज का और आपको चांस मिलता है उसमें. अच्छा, बहुत अच्छा लगा अभिषेक आपसे सब कुछ जान के. आप थोड़ा ये बताओ, आपको 5 महीने लगे है ना, लेकिन उसमें आपने कितना कितना समय इस चीज को भी दिया था, पीएचडी को, मतलब वो प्रपोजल बनाने में टाइम कितने देते थे पर डे? मैम जब मेरा पहले बारी ने मेरा नेट निकल गया था तो मैम तब भी हम सोच लिए थे कि चाहे जीआरएफ निकले या नहीं निकले आपको अपना रिसर्च प्रपोजल पे काम करना शुरू कर देना है. तो मैम मेरा रिसर्च प्रपोजल मैम 6 से 7 महीना लग गया मेरा पूरा रिसर्च प्रपोजल बनाने में. मैम जैसा बताया कि हम कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किए थे तो हर चीज को हर वेरिएबल को जोड़ने में बहुत टाइम लग गया वो रिसर्च प्रपोजल बनाने में. अगर कहीं से आप कट कॉपी पेस्ट करते तो 1-2 महीने में हो जाता, लेकिन अगर आप एक एक वेरिएबल को देखेंगे और रिसर्च कंपोनेंट को रिसर्च ऑब्जेक्टिव को, जैसे मैम एक बात बताना चाहेंगे, हम बहुत लोगों का रिसर्च प्रपोजल हम भी देखे तो वो क्या करते हैं कहीं मतलब 3-4 सोर्स से वो उठा लेंगे और उसके बाद फिर उसमें गैदर कर देंगे, लेकिन ये नहीं होता है. आप जो हाइपोथेसिस जो ऑब्जेक्टिव बनाते हैं ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस होता है और हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ही रिसर्च टूल को वो चूज करना होता है. तो अगर आप हाइपोथेसिस बनाए हुए हैं बाइवेरिएट का और टू लगा दे रहे हैं मल्टीवेरिएट का तो वो तुरंत पकड़ लेंगे, वो आपके मतलब प्रपोजल देखते ही वो हंसने लगेंगे, बोलेंगे कि तुम ये क्या करके आए हुए हो. तो ये सब बात है, अगर अपना प्रपोजल बना रहे तो प्रपोजल बहुत अच्छे से बने, क्योंकि मेन आप रिसर्च में आ रहे तो आपका प्रपोजल ही है आपका. ये नॉर्मली जॉब इंटरव्यू नहीं कि इसमें आपका ज्यादा पर्सनैलिटी देखेंगे, यहाँ पर मेन आपका नॉलेज और दूसरा आपका रिसर्च का नॉलेज और रिसर्च एक्सपीरियंस. जी बिल्कुल. तो आप अगर सिनॉप्सिस बना रहे हो, आपको देखना है, आपने भी लिटरेचर रिव्यू बहुत किया होगा, बट उस लिटरेचर को अपने आप खुद लिखना चाहिए, खुद अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखना चाहिए ताकि आपको पता हो एक्चुअली आपने उसमें क्या लिखा है. नहीं तो पता ही नहीं होता लोगों, आधा उधर से लगा आधा ऊपर ऊपर से पढ़ रहे होते हैं, उसके मीनिंग निकाल के अपनी लैंग्वेज में जब आप खुद सही ढंग से लिखते हो तो आपको ज्यादा अच्छे से उस चीज की नॉलेज होती है. और स्टैटिस्टिक्स में जो मैं कॉमर्स वाली स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाती हूँ वो भी आपका बेनिफिट होगा सभी सब्जेक्ट के लिए, तो उसमें पता चलता है कौन कौन से टूल है, आर स्क्वायर है, कोरिलेशन है, मल्टीवेरिएट है, बाईवेरिएट है, बहुत सारी चीजें हैं. तो इन सबको आप यूटिलाइज करके भी अपना लिख सकते हो, और भी बहुत सारे टूल है. अच्छा, वो टेस्टिंग एनालिसिस में आपने कौन सा टूल लगाया होगा, उसमें कुछ लिखा होगा एनालिसिस समय आप किस टाइप का टूल यूज करेंगे? जी मैम, जब हम एनालिसिस लिख रहे थे तो हम एक सीनियर से बात की तो हम बोले सर वो फैक्टर रैंडम एनालिसिस लगा दे या फैक्टर रैंडम एनालिसिस लगा दें या सिंपल बाइवेरिएट लगा दे, तो उन्होंने बोला कि अभी तुम मत करो, अभी ये तुम्हारा प्रपोजल है, इसमें बस लिख दो कि व्हेन मतलब जब भी मेरे जो आपके सुपरवाइजर है वो मेरे अलर्ट हो जाएंगे तो उनसे कंसल्ट करके हम अप्रोप्रिएट रिसर्च टूल को यूज करेंगे. अगर वो बोले कि अगर तुम अभी से फिक्स कर लोगे तो अगर तुम्हारा रिसर्च सुपरवाइजर उसमें कंफर्टेबल नहीं हुआ तो फिर उसको नहीं कर पाओगे, तो फिर तुमको दिक्कत हो जाएगा. तो तुम उसमें अपने प्रपोजल में लिखो कि अप्रोप्रिएट रिसर्च टूल इज अवेलेबल एंड द यूज बाय द रिसर्चर. जी बहुत अच्छी, मतलब मेनली जो आपका देखा जाता है वो ये देखा जाता है आपने ऑब्जेक्टिव क्या रखा है, लिटरेचर रिव्यू कैसा किया है, डाटा कलेक्शन कैसे करोगे, ठीक है, इसकी मेथोडोलॉजी, इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है. और बाकी तो आप टेंटेटिव लिखते हो कि आपने रिसर्च करी थोड़ी है, कंक्लूजन भी निकलेगा थोड़ी उसमें, क्योंकि ये तो प्रपोजल है, रिसर्च प्रपोजल है विच वी वांट टू प्रपोज, और इस पे अभी काम करना बाकी है. और ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, अगर लिटरेचर में आपसे पूछूं, हाँ जी हाँ बताओ. हाँ मैम, वो हम बोले थे कि प्रपोजल में हम देखते हैं कि कितने लोग कंक्लूजन लिख देते हैं, जो कि प्रपोजल में कंक्लूजन आप कहाँ से बता पाएंगे, अभी आपने रिसर्च नहीं किया है और कितने प्रपोजल लिखा है रिसर्च पेपर में, लेकिन लोग रिसर्च पेपर को देख के अपना प्रपोजल बनाते हैं, प्रपोजल में ही कंक्लूजन लिख देते हैं, जो कि एकदम गलत है. प्रपोजल में कंक्लूजन नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि प्रपोजल होता है रिसर्च पेपर का पार्ट. जी, ये प्रपोजल है, इसके अंदर कंक्लूजन आया ही नहीं है, इस पे तो कंक्लूजन आएगा. आप ज्यादा से ज्यादा टेंटेटिव ले सकते हो, शायद ही आ जाए, वो भी कंफर्म नहीं कर सकते आपकी ये कंक्लूजन है, वो कर ही नहीं सकते आप. मैं ये पूछी थी लिटरेचर में आपने कितनी रिसर्चेस पढ़ी होंगी इन सब के लिए. मैम रिसर्च पेपर अप्रोक्स मेरा 21-22 रिसर्च पेपर था और वो 6-7 रिसर्च थीसिस मैंने पढ़ा था. अच्छा, मतलब अच्छे से पढ़ा था या उसके अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट, लिटरेचर रिव्यू और सजेशन वाला पार्ट ये ज्यादा पढ़ा था? नहीं मैम, जब हम रिसर्च पेपर पढ़े जैसे हम बताए कि इतना टाइम लग गया हमको नहीं, तो हम पूरा पढ़ देते हैं. और जानते हैं मैम, जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपसे पूछेंगे कि जो तुम्हारे वो स्पेसिफिक डोमेन है उसके 5 तुम सबसे अच्छे तुम रिसर्च पेपर का नाम बताओ, तो फिर वहां पे मामला गड़बड़ा जाएगा. जैसे वो बोले कि इंटरनेशनल बिजनेस तुम्हारा है तो इंटरनेशनल बिजनेस में 5 रिसेंट तुम रिसर्च पेपर तुम पढ़े हो, तो हम बोले हाँ, तो फिर उसका नाम पूछने लगे, तो बोले एमराल्ड में कि वो किसका पब्लिकेशन हुआ था उसका नाम बताओ. जैसे एक जोसेफ रिचर्ड है
तो उनका वो इंटरनेशनल बिजनेस का जो रिसर्च पेपर वो बहुत फेमस है, तो वो बोले थे कि वो इनका तुमने रिसर्च पेपर पढ़ा है, तो हम बोले हाँ सर मैंने उसको पढ़ा है। तो फिर वो उसमें से वो पूछने लगे, बोले कि ये मेरा भी हम भी इसको पढ़े इंटरनेशनल बिजनेस का, चलो तुम बताओ इसमें क्या था। तो मैम ऐसे वो क्वेश्चन करेंगे, जैसे हम बोले कि वो हम मेरा इंटरनेशनल बिजनेस है, तो तुरंत उनके एक्सपर्ट को बुलाएं और बोले कि वो तुमने ये रिसर्च पेपर पढ़ा, तुम बोले हाँ सर हमने पढ़ा है। तो फिर वो वहां से क्वेश्चन की ये लाइन का मतलब बताओ, तो फिर ये मैम तो और इंटरव्यू मैम मैंने भी दो तीन जगह का इंटरव्यू दिया था, यहाँ का इंटरव्यू तकरीबन मेरा अप्रॉक्स चला था वो 20 वो मैम 12 से 13 मिनट तक चला था, और बाकी जगह का जब भी मतलब इंटरव्यू होता था तो 5 से 6 मिनट ऑनलाइन मैक्सिमम होता था, लेकिन डीयू में आपका कम से कम अप्रॉक्स आप कह सकते हैं 15 मिनट तक इंटरव्यू चला। ये पहचान भी है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस भी ज्यादा, क्योंकि आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन तभी पूछेंगे ना, अगले उस पे तभी आएंगे जब उनको लगेगा कि हाँ इसको पता है, जब पहले क्लियर हो जाता है इसको इतना नहीं पता होता, तब हो सकता है नॉलेज में कुछ लैक भी रहा हो, आपने उन सब चीजों पे काम किया हो और अब आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली अपने आंसर दे पा रहे थे जी। सो ये भी इस चीज के निशान है, मतलब इम्पोर्टेंस है कि हाँ जितना ज्यादा अच्छे से वो आपसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं उतना आप कॉन्फिडेंस लूज मत करो, बस एंड तक कॉन्फिडेंट बना के रखो कॉन्फिडेंस, सो आपके पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं कि सिलेक्ट होने के। हाँ जी चलो जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। एनी लास्ट टिप, कुछ भी मोटिवेशनल टिप आप देना चाहो लर्नर्स को तो जरूर दीजिए। यस मैम, जितना भी लोग नेट जीआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फ्यूचर में अपने को रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हैं, तो उनसे हम ये बात बोलेंगे कि अगर एक बार आप जीआरएफ दे रहे हैं आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर डीमोटिवेट मत होइए, उसमें लगे रहिए, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको उसका जो रिजल्ट है वो मिलेगा। जैसे मैं भी बोला कि मैंने भी पहले अप्लाई किया तो फिर मेरा नेट ही निकला, फिर अप्लाई किया तो नेट निकला, लेकिन उसके बाद जाके जीआरएफ निकला, उसके बाद फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा पीएचडी में एडमिशन हो गया। तो आप लगे रहिए, छोड़िए नहीं बीच में। जैसे देखिए मैम, नवदीप मैम को मैं 2019 से फॉलो कर रहा हूँ और 2021 आ गया, सोचिए 2 साल से। कितने लोग होते हैं कि एक बार किए नहीं हुआ छोड़ देते हैं, 2 बार किए नहीं हुआ छोड़ देते हैं, लेकिन आप लगातार लगे रहिए, आप अपने को तब तक उसमें लगाए रहिए जब तक आप अपने रिजल्ट को प्राप्त ना कर, अपने गोल को आप अचीव ना कर लें। और मैम को देख के आप सीखिए कि आप सोए रहेंगे मैम का लेसन चलता रहेगा, आप उठेंगे उससे पहले मैम का यूट्यूब पे उनका मॉर्निंग का जो वीडियो होता है वो आ जाएगा। तो हम लोग से ज्यादा तो मेहनत तो मैम करती हैं, और सोचिए एज अ वो एन अकेडमी एजुकेटर होने के बाद जितना भी स्लाइड्स हैं वो स्लाइड्स बनाने में कितना मेहनत लगता है, वो मैंने वो स्लाइड बनाया तो मैं जानता हूँ उसको, एक एक स्लाइड बनाने में कितना मेहनत लगता है। तो सोचिए मैम का जो आपका 50-60 स्लाइड का जो उनका एक पीडीएफ होता है उसको बनाने में कितना मेहनत लगता होगा। तो मैम जब इतना मेहनत कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते, आपको तो अपना गोल उसमें अचीव करना है। चलो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। वही आपने बहुत अच्छे से एक आउटसाइड यूनिवर्सिटी से होते हुए आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कदम रख के एक मिसाल कायम करी है, एंड दिस इज बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर ऑल लर्नर्स। और इसी में आपने मेरे को जब सेंड किया ना अपना रिजल्ट, तब मैंने उसमें बाद में देखा, अरे यहाँ पे मेरे फ्रेंड का भी, सरिता का भी दिया हुआ है, तो मैंने उससे पूछा हाँ जी पीएचडी में एडमिशन हो गया, तो उसको भी मैंने कॉन्ग्रेचुलेट किया आपके रिजल्ट की वजह से ही, उसमें फिर उसका भी नाम था, तो मेरे तो डबल डबल खुशखबरियां मिल गई फ्रेंड एंड आप एज अ लर्नर। जेआरएफ के साथ साथ आपका पीएचडी भी एडमिशन भी हो गया, अब ऐसे ही अच्छे से बेस्ट प्रोफेसर भी आप बन जाइए, ठीक है, जहां भी बनना चाहते हैं। सो ऑल द बेस्ट मैम। मैम आपको देख के बहुत मोटिवेशन मिलता है, मैम आपको सही बता रहे, क्योंकि मेरा भी हम जैसे आप बोलती हैं कि अगर नहीं हुआ है तो लगातार लगे रहो, तो मैम 2019 से हम लगे हुए थे, 2019 में मेरा एमकॉम पोस्ट पीजी मेरा कंप्लीट हो गया था, उसके बाद फिर हम स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हम चाहते थे कि अगर पीएचडी में एडमिशन हो तो कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, तो इसलिए हम वो एक साल रुके, 1 साल से थोड़ा ज्यादा समय हो गया, तो फिर एक प्रेशर भी होने लगता है कि वो अभी आप इतना रुक रहे हो जीआरएफ होने के बाद भी तो कुछ मतलब नहीं बनता है, लेकिन हम सोचे थे कि अगर एडमिशन लेना है तो अच्छी जगह लेना है। और उस बात को खुद को मोटिवेट रखिए, आपका वीडियो देख के खुद को मोटिवेट करो, ताकि कहीं से लगे ना कि अरे इतना टाइम क्यों लैक हो रहा है। जी बिल्कुल, आप ना अगर कोई डीमोटिवेट हो भी रहा है कहीं रुक भी रहे हैं, तो अपना ना बेस्ट दो, अब छोड़ो बाकी सारी चीजों को, दुनिया को इधर उधर की सारी बातों को छोड़ दो, हाँ जी, और अपना बेस्ट दीजिए और आप कर पाओगे। यस मैम, और आखिरी बार वो जाते आते आपका एक बार फिर से बुक दिखाने के, मैम देखिए पूरे बुक में वो पूरा वो लगा हुआ है पूरा, अगर आप मैं बुक को ऐसे दिखाऊं शायद दिख रहा होगा पूरा रेड कलर से लगा हुआ है आपके बुक को, ये जो दिखिए ये वाला दिखा दो अच्छे से, ये देखिए ये पूरा पूरा उसको रेड पेन से पूरा मैं क्लियर किया हुआ है। अच्छे से मेहनत करिए आपने, चलो ड्रीम बिलीव एक्ट एंड अचीव, सपने देखने से पूरे होते हैं, एक बारी लिख डालो मुझे क्या चाहिए
और उस पे फोकस करो, सारी कायनात आपके पीछे पड़ जाएगी, उसको लेके ही रहना है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, आप फाइनली हम वाइंड अप। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, सो ऑल द बेस्ट फॉर JRF एंड PhD, एवरीथिंग इज पॉसिबल, अपने अंदर हिम्मत रखो, थैंक यू, एंड ऐसे ही आप भी मतलब बहुत आगे जाओ अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू मैम।